आज खेरसन, ज़ापोरिज़्या के अलावा हाटने और बुका में भी रूस ने हमले किए और ये हमले जबरदस्त हैं। तीनों इलाकों से आई तस्वीरें दिल दहला देती हैं। रूस जो हमले कर रहा है उनकी चपेट में रिहायशी इलाके और वहां रहने वाले यूक्रेन के आम लोग आ रहे हैं। तबाही बहुत ज्यादा हो रही है और यही युद्ध की विभीषिका है। वो जंग का आठवां दिन था, 3 मार्च की रात करीब 2:30 बजे ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा प्लांट धमाके से दहल उठा। प्लांट पर हुआ था मिसाइल हमला। शुक्र है प्लांट में मौजूद 6 रिएक्टर्स में से कोई भी मिसाइल के निशाने पर नहीं आया, वरना भारी तबाही हो सकती थी। दमकल कर्मियों ने चंद घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पा लिया, लेकिन यूक्रेनी फौज यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट को रूसी कब्जे में जाने से नहीं बचा सके। हालांकि पुतिन ने प्लांट में हमले के बाद यूक्रेनी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा प्लांट पर रूस का कब्जा इस जंग में यूक्रेन को दूसरा बड़ा झटका है। यूक्रेन को पहला झटका खेरसन के रूप में लगा था, जिस पर रूस ने जंग के 6ठे दिन ही कब्जा जमा लिया था। खेरसन सामरिक नजरिए से यूक्रेन का बेहद अहम बंदरगाह है। ये काला सागर में यूक्रेन का बंदरगाह है। खेरसन की तरफ से एक अहम सामरिक ठिकाना ओडेसा, ये भी काला सागर के किनारे यूक्रेन की सिटी है। 4 दिन पहले एक मिसाइल हमले में रूस ने ओडेसा के एक पुल को उड़ा दिया था। रूस के हमले से बर्बादी बूचा में भी भयंकर हुई है। यहाँ पिछले दिनों रूसी मिसाइल ने हमले में एक ब्रिज को ध्वस्त कर दिया। कीव से महज 15 किलोमीटर दूर बूचा में आवासीय इमारत को भी रूस ने अपने हमले में तबाह कर दिया। इरपिन और चर्नीहाइव, ये दो ऐसे इलाके हैं बूचा के बगल में। तो इन 3 शोल्डर्स पर बहुत जबरदस्त वार कल देर रात हुआ है, मिसाइलों से अटैक हुआ है। और यहाँ के लोग हमको ये बता रहे हैं कि अब रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हो रही है, टैंकों की लड़ाई हो रही है। और उससे डर अब ये है कि अगर ये 3 इलाके जो बहुत महत्वपूर्ण है कीव की रक्षा के लिए, अगर ये इस अटैक को नहीं होल्ड कर पाए तो फिर कीव पर दनदनाते हुए बढ़ने का प्रयास करेगी रूस की सेना। अगले 24 से 48 घंटे राजधानी कीव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जंग का 12वां दिन है, कब तक युद्ध जारी रहेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि जंग में यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं। 12 दिन में 12 शहर का हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, गीता मोहन, श्वेता सिंह और पवन के साथ आज तक ब्यूरो।